तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द न्यू वीडियो। और जैसा कि आपको वीडियो का टाइटल देख के पता लग गया होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारी पबजी मोबाइल या फिर BGMI, इसमें जो क्लैन होती है, इसमें जब हम क्लैन पे जाके मैनेज क्लैन में जाते हैं और अप्रूवल ऑप्शंस में जाते हैं या फिर इंफॉर्मेशन में जाके यहाँ पे मैनेज क्लैन में जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती है, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट अप्रूवल। तो इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है? दोनों चीज़ों का मतलब बताने वाला हूँ मैं आपको। और भाई, ये वैसे बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पता होता है। और जो लोग नए नए लीडर या नए नए को लीडर बनते हैं किसी क्लैन के, उसको इस चीज़ को समझने में मुश्किल आती है और वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि किस चीज़ को ऑन रखें और किस चीज़ को ऑफ रखें। तो मैं आपको इन दोनों चीज़ों के मतलब बता दूंगा, जिससे आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना है। तो भाई, वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटी होने वाली है, तो एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्ट की। तो गाइज, अगर आप इस एक्सेप्ट को बंद कर दोगे, तो उसका मतलब ये है कि अब आपने अपनी क्लैन में एंट्रीज़ को बंद कर दिया है, मतलब आप अपनी क्लैन में और बंदे नहीं चाहते। तो उससे क्या होगा? तो भाई, उससे ये होगा कि जो नया बंदा होता है, जो किसी भी क्लैन में नहीं होता, वो जब क्लैन पे क्लिक करता है ना, तो उसके सामने वो आती है ना सजेस्टेड क्लैंस, कि वो कौन कौन सी क्लैन को ज्वाइन कर सकता है। तो उसमें आपकी क्लैन का नाम नहीं आएगा। अगर नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। अगर इस एक्सेप्ट को आप ऑन रखोगे, तो इसका मतलब कि आप क्लैन में बंदे बुलाना चाहते हो, मतलब आपकी क्लैन में बंदों की एंट्रीज खुल रखी है, तो वो सजेस्टेड क्लैन में आपकी क्लैन का नाम आएगा और कोई बंदा ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर लेगा। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे, तो आपकी क्लैन सजेस्ट ही नहीं होगी नए बंदों को, कोई उस क्लैन में नहीं आ पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लैन में अननोन बंदे भी आ पाएं, वे आपकी क्लैन देख पाएं, तो आप इसको ऑन कर लो। और अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी रैंडम बंदा, कोई भी अननोन बंदा आपकी क्लैन में आ सके, तो इसको ऑफ कर दो। अब दूसरी बात आती है रिक्वेस्ट अप्रूवल की। अब रिक्वेस्ट अप्रूवल का मतलब ये है कि आपकी क्लैन में एंट्रीज तो ऑन है, अब कोई बंदा चाहे अपनी मर्जी से क्लैन को ज्वाइन कर सकता है, फिर आपको उसको अप्रूव करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में बताऊं तो, जैसे कि आपने इस एक्सेप्ट को ऑन कर रखा है, तो भाई रैंडम में से, पूरे वर्ल्ड में से किसी भी बंदे को मान लो आपकी क्लैन ज्वाइन करनी है, तो अगर आपका रिक्वेस्ट अप्रूवल ऑफ होगा, तो वो आपकी क्लैन डायरेक्टली ज्वाइन कर लेगा बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परमिशन के। अगर रिक्वेस्ट अप्रूवल आपने ऑन कर रखा होगा, तो जब तक लीडर या को लीडर उस बंदे को अप्रूव नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपकी क्लैन में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये है। तो सिंपल भाषा में कहूँ, अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी मर्जी से ही बंदा है जिसे आप हाँ कहो वही क्लैन में आए, बाकी ना आए, तो आप इसको ऑन कर लो। और अगर आप बस क्लैन में बंदे भरना चाहते हो, कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो इस रिक्वेस्ट अप्रूवल को ऑफ कर दो। कई बार कैसा होता है, आप किसी बंदे के साथ खेलते हो और वो आपकी प्रोफाइल में जाता है और वो फिर जाता है क्लैन में, तो वो जब क्लैन में जाता है तो उसमें ज्वाइन का ऑप्शन आता है, तो आप ज्वाइन दबा दोगे, तो अगर ये रिक्वेस्ट अप्रूवल ऑफ होगा, तो वो बंदा क्लैन में ज्वाइन हो जाएगा। अगर ऑन होगा, तो वो आपके पास फिर यहाँ पे आ जाएगा, जो रिक्वेस्ट लिस्ट होती है, इस रिक्वेस्ट लिस्ट में से आप इग्नोर या एक्सेप्ट कर सकते हो। तो बस यही होता है चीज़ इन सब चीज़ों में। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको भाई इन सब चीज़ों का मतलब नहीं पता। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।